आज़ादी की याद दिलाता है, उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपने परिवार, घरों और अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया। तो इसी विचार के साथ मैं नंदिनी मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने विचार के साथ। प्रार्थना ईश्वर का मोबाइल नंबर है जिसे हमें रीडायल करते रहना चाहिए, कभी तो ईश्वर हमारी सुनेगा। तो चलिए प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशी ही खुशियां जमा, मेरी बड़े प्रभु रखना अपनी दया। है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं
तो उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने हेतु शपथ के लिए तैयार हूँ। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। भरा नहीं है भाव से बहती जिससे रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। तो इसी विचार के साथ रेडियन के संवाददाता प्रस्तुत हैं आज के समाचार के साथ। सुप्रभात, मैं ऋचा पटेल कक्षा 10 से लोहिया सदन की तरफ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय समाचारों के साथ। देश में एक दिन में कोरोना वायरस से 900 से ज्यादा मरीजों की मौत, कुल आंकड़ा 20 लाख की ओर। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अहमद के आतंकियों ने गोली मार के की हत्या। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में सेना के बैंड कर रहे हैं प्रस्तुति। दिल्ली में भी जमेगा रंग। दक्षिण भारत की हालत काबू में नहीं, महाराष्ट्र के एक 86 साल के एक व्यक्ति ने दी कोरोना को मात। भारत में 2 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा बढ़े कोरोना संक्रमित। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले लोहिया सदन की ओर से कक्षा 9 की गरिमा सिंह हूँ। आज ही के दिन 1951 में भारत ने पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेन 2 की उड़ान भरी थी। आज ही के दिन 1913 में इंग्लैंड के हैरी ब्रेडली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। आज ही के दिन 1960 में अफ्रीका फ्रांस के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था। आज ही के दिन 1902 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आजादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी जरूरत पड़े देश को हम जान उठा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। तो चलिए आज का विचार जानते हैं। सुप्रभात मित्रों, मैं अनुष्का मौर्य लोहिया सदन की तरफ से आपके समक्ष एक विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। गलतियाँ इस बात का साक्ष्य होती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः कहती हूँ, गलतियाँ इस बात का साक्ष्य होते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। भक्ति मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं, बल्कि उसके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना भी होनी चाहिए। तो इसी विचार के साथ एक मधुर गीत प्रस्तुत है। सुप्रभात मित्रों, मैं रचना लोहिया सदन की ओर से एक गीत के साथ प्रस्तुत हूँ। ओ राज रसे तेरे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी समी तेरे खून से ही तो सजती सवरती है राजे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है राजे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरे नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ये मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूस रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ये मेरी जमी महबूब मेरी तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे,
फीका न पड़े कभी रंग मेरा जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में गुड़बड़ के मैं इतनी सी है दिल की आरजू, तेरे नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
कंधे को जिससे तेरी शान है, सर इसका ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। तो इसी के साथ राष्ट्रगान के लिए तैयार हूँ।